डालते रहो दाल दो साइज। गाइस अगर मोमो खाने के शौकीन हो तो आप भी हमेशा गेस करते होंगे कि मोमो की चटनी में ज्यादा क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट मोमो की चटनी का, जो आप चाट चाट के खाते हैं आपको पता लगे मोमो की चटनी में तो स्ट्रीट स्टाइल पे दी जाती है क्या जाता है। तो ले रहे हैं सबसे पहले हम लोग लाल मिर्ची सूखी हुई, हम ले रहे हैं कोरिएंडर और साथ में इसकी जड़ भी डालनी है आपने, एक कटोरी भर के लहसुन और अदरक, बॉइल्ड वाटर डालेंगे इसमें। अब इसको अब ढक्कन देके हम पकाएंगे, चेक करते हैं गाइस इसे, ये अच्छे से हमारा उबल चुका है। अब इसको करेंगे ब्लेंड मिक्सी के अंदर। वैसे तो आप घर पे अगर कॉपी करो रेसिपी तो ठंडे होने का वेट करो, बट हम लोग रेगुलर करते रहते हैं तो वी नो हाउ टू हैंडल द स्टफ। ये है काफी रिस्की काम, घर पे मत करना, थोड़ा थोड़ा पहले करते हैं। गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम लोग। ये देखिए क्या कलर आया है, कलर अगर इसका थोड़ा लाइट है ना तो मतलब वो लाल मिर्च इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। वो कलर इसका अगर ऐसा है, ये लाल आया है सेम स्ट्रीट फूड रेसिपी यूज करते हुए, तो मतलब मिर्ची की क्वालिटी बढ़िया है। तो उसको अच्छे से ब्राउन करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट को, जो जिंजर है वो कम है और गार्लिक ज्यादा है। तो गाइस इसमें अब हम ये अपना मिक्सर डाल रहे हैं। तो आपको तो लग रहा था यही शायद मोमो की चटनी है, लेकिन नहीं, अभी इसमें काफी कुछ डलेगा। यूजली जो अगर ये मोमो की चटनी स्ट्रीट स्टाइल में 40-50 रुपए के मोमो वाले अगर आपने बनानी है तो उसमें डलता है पानी। और रिमेम्बर हम बना रहे स्ट्रीट स्टाइल, मिक्सी में जैसे हमने लहसुन वसुन पीसा है कभी कभार क्या होता है कोई बड़ा पीस रह जाता है। ये देखिए ये जो है ये हमने सारा कूड़ा कटका निकाल दिया। सबसे पहले इसमें जाएगा टोमेटो केचप ढेर सारी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये स्ट्रीट स्टाइल है। अब इसमें जाएगी सोया सॉस, हमारे पास बेटर सोया सॉस भी है लेकिन ये स्ट्रीट फूड में ही डलती है, उसमें टॉप्स की डलती है, मज़ा नहीं आएगा। ये देखो सॉस टॉप्स की, हरी मिर्च, ग्रीन चिली, इतनी मरनी लगता है हमें मोमोज बांटने पड़ेगा। सिरका, अब इसमें डली हल्की सी चीनी, चाइनीज फूड इज ऑल अबाउट स्वीट सॉस स्पाइसी बैलेंस ऑफ फ्लेवर। और अब डलेगा बहुत ही खुफिया इंग्रेडिएंट, इसके बिना चटनी का मजा नहीं है, दिखाएगा कोई नहीं डालेगा सब MSG। MSG बेकार नहीं होता, MSG सेहत के लिए ठीक होता है। अगर आप KFC खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, आप अगर नाचोस खा रहे हो, सब में MSG है, नेचुरली टमाटर में भी होता है। ये इतना सही डलता है लेकिन टेस्ट खुल जाता है इसका। और अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, आप जब मोमोज खाते हो जब चटनी में डालते हो तो आपको लगता है कि ये तेल तेल ज्यादा है चटनी में और सॉस कम है, जब आप तेल डालते हो किसी चटनी में तो वो ज्यादा दिन तक टिकती है। अगर ये मैंने किसी रेस्टोरेंट में सर्व करना होता तो मैं इतना इसमें ऊपर से ऑयल ऐड नहीं करता। एक तो आपको पता लग गया कि स्वीट स्टाइल में कैसा बनाया जाता है सामान और थोड़ा रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है, दूसरा अब आपको पता है कि ऑयल क्यों डाला जाता है। अब इसको ढक्कन देके पकाते हैं एटलीस्ट 5 मिनट और मंगवाते मोमोज। तो ये जो चटनी है बन चुकी है हमारी, अच्छी है लेकिन वो स्ट्रीट वाला मजा नहीं है। आपने देखा मैंने खाई, ये नहीं आया, इससे आएगा ना, इसको हम डालेंगे इसमें, बिकॉज स्ट्रीट स्टाइल में देखो हमने जो कश्मीरी मिर्च डाली ना काफी महंगी आती, और अगर आपको वो ये दे देना तो आप ये तो सूझ समझ के पी लोगे। डोंट ब्लेम मी, ब्लेम द स्ट्रीट फूड वेंडर्स। डालते रहो दाल दो साइज। ये अभी भी काफी अच्छी क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ, जो मिर्ची डाली है उसको भी पकाएंगे हम लोग थोड़ा बहुत। तो आपने क्या लेना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है, उसमें पानी डालना है और थोड़ी स्लरी बनानी। इन चटनियों में नहीं याद रहेंगे स्ट्रीट स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल लगनी चाहिए तुम्हें। ये देखिए, और अब डाले इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी, गिव इट अ ट्विस्ट। तो ये 4 से 5 दिन तक ठीक रहेगी। अगर आप नॉर्थ दिल्ली रहते हो तो हमें DM करो, ये चटनी हमसे फ्री में ले जाओ, हमें लगा महीने भर रहेगी, ये तैयार है। वैसे तो आपको ठंडी होने की वेट करनी चाहिए इसकी। आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट पसंद आया हो कि हमने इतनी सारी मोमो चटनी बना ली है, तो डू शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।